साहिबान, लहरों को चीर कर हम तूफानों से लड़ जाते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए हम कफन बांध कर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेस्क्यू दल ने किस प्रकार से पायलट के द्वारा फेंके गए सेफ्टी रोप को पकड़ लिया है। अब फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी आप अपना ध्यान सामने लेकर जाएं। साहिबान, लहरों को चीर कर हम तूफानों से लड़ जाते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए हम कफन बांध कर आते हैं, हम कफन बांध कर आते हैं, जिसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन आप अपने सामने देख सकते हैं। इस प्रकार से हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू किया जाता है, जिसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन आपने अपने सामने देखा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंडियन आर्मी की टीम के द्वारा दिखाया गया। जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत में मैं यहां मौजूदा सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी बाढ़ आने पर इस प्रकार सभी जगह बारिश पड़नी शुरू हो गई है, हर एक ओवर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले रिस्क रिडक्शन रिस्क। साहिबान, लहरों को चीर कर हम तूफानों से लड़ जाते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए हम कफन बांध कर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेस्क्यू दल ने किस प्रकार से पायलट के द्वारा फेंके गए सेफ्टी रोप को पकड़ लिया है। अब फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी आप अपना ध्यान सामने लेकर जाएं। साहिबान, लहरों को चीर कर हम तूफानों से लड़ जाते हैं, भारत माँ की रक्षा के लिए हम कफन बांध कर आते हैं, हम कफन बांध कर आते हैं, जिसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन आप अपने सामने देख सकते हैं। इस प्रकार से हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू किया जाता है, जिसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन आपने अपने सामने देखा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंडियन आर्मी की टीम के द्वारा दिखाया गया। जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत में मैं यहां मौजूदा सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी बाढ़ आने पर इस प्रकार सभी जगह बारिश पड़नी शुरू हो गई है, हर एक ओवर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले रिस्क रिडक्शन रिस्क।